कोरोना वायरस। इस वायरस ने पूरी दुनिया को हिला के रखा है। पूरी दुनिया की सरकारें इससे निपटने के लिए तमाम इंतजाम कर रही हैं लेकिन विफल हो रही हैं। पूरी दुनिया में एक्टिव केस का आंकड़ा भी बढ़ते जा रहा है और मरने वालों का आंकड़ा भी बढ़ते जा रहा है। आज की इस वीडियो में हम बात करने वाले हैं पूरी दुनिया में एक्टिव केस कितने हैं अभी तक, यानी कि 26 अप्रैल 2021 तक कितने एक्टिव केस हैं पूरी दुनिया में कोरोना वायरस के चलते और कितने लोगों की मौत हो चुकी है। जी हाँ दोस्तों, आज के इस वीडियो में एकदम लाइव अपडेट देने वाले हैं अभी तक का आपको, जो कि है 21 अप्रैल 2021 तक का पूरा डाटा आपके पास दे रहे हैं हम, आपको आपके सामने पेश कर रहे हैं, जो कि कोरोना वायरस का आंकड़ा है जिसमें से कितने लोग इन्फेक्टेड हुए हैं, कितने लोग मर गए हैं, कितने एक्टिव केस हैं, पूरी दुनिया की बात करेंगे। और इसके बाद बात करेंगे टॉप 5 देशों की जो सबसे ज़्यादा इन्फेक्टेड हुए हैं कोरोना वायरस के चलते। तो दोस्तों शुरू करते हैं इस वीडियो को। नमस्कार, आप देखना शुरू कर चुके हैं द हिंदुस्तान टुडे। दोस्तों सबसे पहले बात करते हैं पूरी दुनिया में एक्टिव केस की। पूरी दुनिया में अभी तक 14,77,83,378 केस आ चुके हैं पूरी दुनिया में कोरोना वायरस के चलते, और इनमें से 12,53,20,873 लोग ठीक भी हो चुके हैं। अगर मौत के आंकड़े की बात करें तो पूरी दुनिया में दोस्तों अभी तक 31,22,538 लोगों की मौत हो चुकी है। और अगर बात करें पूरी दुनिया में अभी तक एक्टिव केस की तो 1,93,39,968 मामले जो हैं वो एक्टिव केस के तहत आते हैं, यानी कि इनका अभी कुछ क्लियर नहीं है कि ये लोग ठीक हो पाएंगे या इनकी मृत्यु हो जाएगी। हालांकि मृत्यु दर उतनी ज़्यादा नहीं है तो ज़्यादातर लोग इनमें से ठीक हो ही जाएंगे। दोस्तों पूरी दुनिया का आंकड़ा एक बार हम आपके सामने और पेश कर देते हैं, आप अच्छे से सुन लीजिए, देख लीजिए इस आंकड़े को, आपकी स्क्रीन में दिखाया जा रहा है। पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा कोरोना केस जो हैं पूरी दुनिया में अभी तक वो हैं 14,77,83,378 केस पूरी दुनिया में अभी आ चुके हैं। अगर बात करें ठीक होने वाले की तो 12,53,20,873 केस जो हैं वो ठीक हो चुके हैं। मौत की बात करें तो अभी तक पूरी दुनिया में 31,22,538 लोगों की मौत हो चुकी है, और अगर एक्टिव केस की बात करें तो 1,93,39,968 लोगों का केस जो है वो अभी। अब बात करते हैं टॉप 5 देशों की जो कोरोना वायरस के चलते सबसे ज़्यादा प्रभावित। दोस्तों सबसे पहले नंबर में आता है अमेरिका। अमेरिका में सबसे ज़्यादा अभी तक एक्टिव केस आ चुके हैं जिनमें से दोस्तों 3,28,24,389 केस अभी वर्तमान समय में अभी तक आ चुके हैं, जिनमें से दोस्तों 2,53,79,831 लोग ठीक भी हो चुके हैं। मौत की बात करें तो पूरी दुनिया में सबसे ज़्यादा मौतें अभी तक अमेरिका में ही हुई हैं। अमेरिका में दोस्तों 5,86,152 लोग की मौत हो चुकी है कोरोना वायरस के चलते अभी। पर एक्टिव केस की बात करें तो 68,58,406 लोगों की जो है अभी एक्टिव केस चल रहा है। दोस्तों अब बात करते हैं दूसरे नंबर की। भारत दूसरे नंबर में आ रहा है एक्टिव केस के मुकाबले। भारत में अभी तक 1,73,06,300 केस आ चुके हैं कोरोना वायरस के, जिनमें से 1,42,96,640 लोग ठीक भी हो चुके हैं। मौत के आंकड़े की बात करें तो 1,95,116 लोग की भारत में अभी तक मौत हो चुकी है। दोस्तों ये आंकड़ा आप देख सकते हैं, ये आंकड़ा 2,00,000 के समथिंग पहुंचने वाला है। वर्तमान समय में 1,95,116 लोग की भारत में मौत हो चुकी है कोरोना वायरस के चलते। दोस्तों अगर एक्टिव केस की बात करें भारत में तो 28,14,544 एक्टिव केस चल रहे हैं भारत में। दोस्तों अब बात करते हैं तीसरे नंबर की देश की। आंकड़ों के हिसाब से तीसरे नंबर में अभी ब्राज़ील आ रहा है। ब्राज़ील में अभी तक 1,43,40,787 केस आ चुके हैं कोरोना वायरस के चलते, और दोस्तों इनमें से 1,28,09,159 लोग ठीक भी हो चुके हैं। मौत के आंकड़े की बात करें दोस्तों तो 3,90,925 लोगों की यहां पे मौत हो चुकी है। जी हां दोस्तों, मौत के मामले में भारत से भी ज़्यादा मौतें ब्राज़ील में हो चुकी हैं, जबकि एक्टिव केस की बात करें तो एक्टिव केस ब्राज़ील में 11,40,693 ही हैं। अगर दोस्तों चौथे नंबर देख के देश की बात करें तो फ्रांस आता है चौथे नंबर में। फ्रांस में 54,98,044 केस वर्तमान समय में अभी तक आ चुके हैं, जिनमें से 43,63,098 लोग ठीक भी हो चुके हैं। मौत के आंकड़े की बात करें तो 1,02,858 लोगों की अभी तक फ्रांस में मौत हो चुकी है। एक्टिव केस की बात करें तो 10,32,088 केस जो हैं एक्टिव केस हैं फ्रांस में। दोस्तों अगर पाँचवें नंबर की देश की बात करें तो रशिया आता है पाँचवें नंबर में। आंकड़ों के हिसाब से रशिया में अभी तक 47,62,596 केस आ चुके हैं, जिनमें से 43,88,008 केस जो हैं वो ठीक भी हो चुके हैं। 43,88,008 लोग ठीक भी हो चुके हैं कोरोना से। और इसके बाद अगर मौत के आंकड़े की बात करें तो 1,08,232 लोगों की अभी तक मौत हो चुकी है पूरे रशिया में अभी तक कोरोना वायरस के।
और अगर एक्टिव केस की बात करें तो रशिया में वर्तमान समय में 266,329 केस एक्टिव केस चल रहे हैं। अगर इसके चलते तो दोस्तों ये जो आंकड़ा था ये पूरी दुनिया में टॉप 5 देशों का था, जिनमें से हमने आपको बताया टोटल कितने केस आए, उनमें से कितने लोग ठीक हो गए, कितने लोगों की मौत हो गई और कितने अभी वहाँ पे एक्टिव केस चल रहे हैं टॉप 5 कंट्री में कोरोना वायरस के चलते। दोस्तों अब जल्दी से अंत में बात कर लेते हैं भारत देश की। भारत देश में अभी पिछले 24 घंटे में कितने मामले सामने आए हैं, तो दोस्तों भारत में पिछले 24 घंटे में 354,533 मामले सामने आए हैं। ये अपने आप में एक बहुत बड़ा आंकड़ा है सिर्फ कोरोना वायरस को लेके। जी हाँ दोस्तों, 354,533 मामले सामने आए हैं, जिनमें से 2,806 लोगों की मौत हो चुकी है पिछले 24 घंटे के अंदर, जिनमें से दोस्तों महाराष्ट्र देश में नंबर 1 में चल रहा है। महाराष्ट्र में 66,191 मामले सामने आए हैं, जिनमें से 832 लोगों की मौत हो चुकी है। उत्तर प्रदेश में दोस्तों 35,311 केस सामने आए हैं, जिनमें से 206 लोगों की मौत हो चुकी। कर्नाटक से दोस्तों 34,804 केस सामने आए हैं, जिनमें से 143 लोगों की मौत हो चुकी है। केरल की बात करें तो 28,469 केस सामने आए हैं, जिनमें से 30 लोगों की मौत हो चुकी है। और दिल्ली की बात करें तो 22,938 केस सामने आए हैं, जिनमें से 350 लोगों की मौत हो चुकी है। तो दोस्तों हमने आपको इस वीडियो में पूरी दुनिया का हाल बता दिया, पूरी दुनिया में टॉप 5 देश के बारे में बता दिया कि कितने वहाँ पे एक्टिव केस हैं, कितने लोगों की मौत हो चुकी है, कितने लोग ठीक हो चुके हैं, और भारत देश के हाल भी हमने आपको बता दिया है कि भारत में अभी वर्तमान समय में क्या स्थिति चल रही है पिछले 24 घंटे के अंदर। दोस्तों अगर वीडियो पसंद आया तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें सभी के साथ, ताकि उनको भी इस आंकड़े के बारे में पता हो और सरकार द्वारा दी गई गाइडलाइंस के अनुसार दोस्तों कार्य करें, अपने आप को कोरोना से बचाएं। अगर इस परिस्थिति में हम बच गए तो हम विजयी अवश्य होंगे। दोस्तों हमारा द हिंदुस्तान टुडे का आप सभी के लिए यही संदेश है। इस वीडियो को देखने आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर वीडियो पसंद आई तो वीडियो को लाइक करें, शेयर करें और कोई भी सुझाव या विचार हो तो कमेंट करके जरूर बताएं। और जुड़े रहिए द हिंदुस्तान टुडे के साथ, हर खबर अब देसी अंदाज में द हिंदुस्तान टुडे। धन्यवाद।